हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रोकली की सब्जी की रेसिपी, जिसे आप ब्रोकली फ्राई भी बोल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे रोटी, पराठा, नान, फ्राइड राइस, नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। ब्रोकली की सूखी सब्जी या ब्रोकली फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है लगभग 500 ग्राम ब्रोकली और इसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ब्रोकली जो है वो बिल्कुल गोभी जैसी ही दिखती है, बस उसका जो कलर है वो ग्रीन होता है और वो काफ़ी हेल्दी होती है खाने में। ब्रोकली को मैंने कट करके गर्म पानी से वॉश कर लिया है ताकि इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हो ना वो निकल जाए। और अब हम इसकी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 इंच अदरक ग्रेटेड। और अब हम इन सबको भून लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है, लगभग 5 से 10 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर हमारा लहसुन और अदरक भुन गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसका मैंने इस तरीके से लेयर्स अलग अलग कर लिया है। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लाल शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च यूज़ की है और सेम यहाँ पर मैंने एक येलो शिमला मिर्च ली है, वो भी मैंने एक ली है। इस दोनों को मैंने इसे लंबे लंबे साइज़ में कट कर लिया है और अब हम इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती है, लगभग 10 से 15 सेकेंड के लिए आप इसे फ्राई कर ले। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्रोकली और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद हम एक बार इसे चेक कर लेंगे और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसका मैंने सीड्स निकाल लिया है। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाकी के सारे स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 1 चम्मच टमेटो केचप टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। सारे सॉस जो हैं हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तो नमक आप ध्यान से ही ऐड करें क्योंकि बाकी जितने भी सॉसेज हमने इसमें ऐड किया सब में नमक होता है, तो नमक आप ध्यान से ही ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब हम इसे वापस से एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसे ढक कर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, या नहीं तो तब तक जब तक हमारी जो ब्रोकली है वो सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मैं एक बार ब्रोकली को इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखें कि बीच बीच में आप इसे मिक्स भी करते रहें, नहीं तो ब्रोकली जो है वो एक साइड से ज़्यादा पक जाएगी और एक साइड से कम पकेगी, इसीलिए मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है और अब मैं गैस बंद कर लेती हूँ और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सुपर टेम्पटिंग और कलरफुल ब्रोकली की सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।